किसान भाइयों राम राम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल पे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। किसान भाइयों, ये हमारे लिए सब्सक्राइबर नहीं, हमारे एक परिवार की तरह हैं, और उम्मीद करता हूँ हमारा जो ये परिवार है वो आगे बढ़ता रहेगा। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छी अच्छी वीडियो जो खुद का एक्सपेरिमेंट करके यानी खुद का खेती का जो अनुभव रहता है वो आपसे साझा करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमारे से बनाए रहेंगे। किसान भाइयों, इसी खुशी में वीडियो में एक लाइक ज़रूर बनता है, और चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ये जो आप फसल देख रहे हैं ये टमाटर की है, और इसको हमने नवम्बर के पहले हफ्ते में इसको लगाया हुआ था। किसान भाइयों, 20-25 दिन का ये पौधा हो चुका है, और इसको हमने बेड के ऊपर लगाया हुआ यानी तार बांस की व्यवस्था नहीं की हुई है। किसान भाइयों, जानकारी के लिए बता दूं, ये सेमनिस कंपनी की अभिलाष वैरायटी है, और अभिलाष वैरायटी मैं अधिकतर लगाता हूं, क्योंकि इसका जो फल होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और पैदावार भी काफ़ी अच्छी होती है। तो कुल मिला के जो अभिलाष वैरायटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं अभिलाष वैरायटी का चयन अपने खेत में ज़्यादा करता हूँ। किसान भाइयों, टमाटर की अनेक वैरायटियाँ हैं, और आप अपने जलवायु के हिसाब से और अपने स्टेट के हिसाब से चयन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो भी वैरायटी दूसरे किसान लगाते हैं सूटेबल वैरायटी है, आप उन वैरायटी का चयन कीजिए। ज़रूरी नहीं कि अभिलाष वैरायटी ही लगाएँ। किसान भाइयों, मैंने इसको बेड के ऊपर लगाया हुआ है, यानी बीच में हमने नाली खींची हुई है, और नाली के दोनों तरफ हमने टमाटर लगा दिए हैं, और जो बेड का साइज़ है हमारा वो करीब 3 से 3.5 फीट के आसपास का गैप है, और ये जो पौधा है ये उसी के ऊपर झुक जाएगा, यानी जो फ्रूटिंग आने लगेगी वो सारा बेड पर आएगी। किसान भाइयों, ये जो तरीका है ये पारंपरिक तरीका है, पुरानी विधि से हमने किया हुआ है, और आप बेहतर रहे अगर व्यवस्था है आपके पास तार बांस की, तो आप तार बांस पे इस टमाटर के पौधे को चढ़ा दीजिए, और जो आपका फल रहेगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए तार बांस की व्यवस्था नहीं है तो आप ओपन फील्ड में इस प्रकार से खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी जो फसल हमारी टमाटर की है वो हार्वेस्टिंग उसकी चालू है, और जो वैरायटी हमने लगाई थी वो सेमनिस की अगस्त्या थी और अभिलाष वैरायटी थी, दोनों की वीडियो चैनल पर डाल चुका हूँ, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उसकी हार्वेस्टिंग पूरी स्टार्ट हो चुकी है, और जो रेट है 800-900 रुपए प्रति कैरेट के हिसाब से मंडी में हमारा जो टमाटर है वो बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रेट है वो काफ़ी अच्छा है। किसान भाइयों, वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर हमारे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।